तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम फोटो देवी है। इंडियन वेज फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज फिर आई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो दोस्तों आज हम बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बनाने वाली हूँ। वीडियो को हमारे आप लोग पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो रेसिपी बनाने के लिए हमने जो भी सामग्री लिया हुआ आप सभी को दिखा देते हैं। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे आलू का कढ़ी, तो बहुत ही चटपटा बहुत ही स्वादिष्ट बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे हमने 1 किलो आलू को पहले से ही उबाल लिया, आप सब देख सकते हैं। आलू हमारा ठंडा हो गया है, अब इसका हम छिलका उतारेंगे। तो जो भी सामग्री हमने लिया हुआ आप सभी को दिखा देते हैं आलू की कढ़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने सरसों का तेल लिया हुआ है, नमक है, सौंफ है, जीरा है, लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है, 2 साबुत लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है, कसूरी मेथी है, और यहाँ पे हमने 1 पाउच जो है चाट मसाला लिया हुआ है, एवरेस्ट मसाला है, गरम मसाला। और यहाँ पे हमने 2 करी पत्ते लिए हुए हैं, हींग है, और यहाँ पे हमने राई लिया हुआ है, और 1/2 लीटर यहाँ पे हमने दही लिया हुआ है। तो दोस्तों आज हम सुबह का खाना बना रहे हैं। आज हम जो है सुबह खाना नहीं बनाए हैं, इसमें 11 बज रहे हैं, तो हम सुबह का पूरा खाना बनाएंगे, इसमें चावल और रोटी भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम आलू का छिलका उतार लेंगे, और रेसिपी बनाने के लिए हमें ज़्यादा बड़ी वाली आलू नहीं चाहिए, मीडियम वाली आलू लेना है रेसिपी बनाने के लिए। तो इसी तरह हम आलू का छिलका उतार लेते हैं। तो आलू का छिलका हमने उतार लिया है, कढ़ाई को हम रख देंगे चूल्हे पर। तो सबसे पहले हम जीरे को भून ले देंगे। तो जीरे को भून कर हम पाउडर बना लेंगे थोड़ा सा। तो जीरे को भून कर हमने पाउडर बना लिया है। कढ़ाई को हम चूल्हे पर रखेंगे, और कढ़ाई में हम डालेंगे सरसों का तेल, और तेल को हम गरम कर लेंगे। तो तेल हमारा गरम हो गया है, अब हम साबुत आलू को हम तेल में डालकर हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो आलू हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसे हम निकालेंगे तेल से बाहर। अब हम कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे। सबसे पहले हम दही में डालेंगे जो है 2 चम्मच धनिया पाउडर छोटे वाले चम्मच से, और 1 चम्मच डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा। तो अब इन सभी चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो जो दही हम लिए हैं ये दही खट्टी नहीं है, इस समय जो है जो कढ़ी बनाने के लिए हमें दही लेना है वो खट्टी नहीं होनी चाहिए। तो बहुत अच्छे से इसे हम फेंट लेंगे। तो सभी चीज़ों को हमने अच्छे से फेंट दिया है। तो अब इसे हम डाल देंगे आलू में, जो आलू हमने लिया हुआ था। तो 1/2 लीटर हमने दही लिया हुआ है, तो इसमें हम कम से कम जो है 1 से 1.5 पाव तक पानी डालेंगे, जितना दही है उससे कम हम पानी डालेंगे। तो 1/2 लीटर हमने दही लिया हुआ था, इसमें हम 1.5 पाव पानी डाल देंगे, और इसे अच्छे से हम मिला देंगे। तो अब हम कढ़ाई को चूल्हे पे रखेंगे। जिस कढ़ाई में हमने आलू को फ्राई किया था उसी में हम डाल देंगे आलू कढ़ी को। तेज करके इसे हम अच्छे से उबालेंगे। तो अब इसमें हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो आंच तेज करके इसे हम पकाएंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा हींग लिया हुआ है, हींग को हम करछुल में रखकर इसे हम हल्का सा घोल लेंगे। तो गर्म पानी में घोलेंगे ताकि ये अच्छे से घुल जाए। तो हींग को हमने घोल लिया है, अब इसे हम डाल देंगे आलू के कढ़ी में, अब इसे अच्छे से मिला देंगे। आलू की कढ़ी हमारी पककर गाढ़ा हो गया है, ऊपर से हम डाल देंगे चाट मसाला। तो छोटे वाले चम्मच से 1 चम्मच हम चाट मसाला डालेंगे, और थोड़ा सा ऊपर से हम डाल देंगे गरम मसाला। अब इसमें हम डाल देंगे ऊपर से कसूरी मेथी, और इन सभी चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो गरम मसाला और चाट मसाला डालने के बाद इसे हम 1 मिनट तक और पकाएंगे, उसके बाद हम नीचे उतार लेंगे। 1 मिनट हो गया है, बहुत ही अच्छा हमारा आलू का कढ़ी पक गया है, आप सब देख सकते हैं, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा हमारा आलू का कढ़ी बना हुआ है।
तो अब कढ़ाई को हम नीचे उतार लेंगे, तड़के की तैयारी कर लेंगे। यहाँ पे हमने कड़छुल में जो है सरसों का तेल लिया हुआ है, अब लगाएंगे हम तड़का कढ़ी में। तो तेल को हम गरम कर लेंगे। तेल हमारा गरम हो गया है, अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा मेथी और मेथी को हम चटकने देंगे और उसी समय हम डाल देंगे लाल मिर्चा और थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें राई। अब इसमें हम डाल देंगे करी पत्ता। तो तड़का हमारा हो गया है, अब हम तड़का लगाएंगे कढ़ी में। तो तड़के को अच्छे से हम कढ़ी में मिला देंगे। तो आप सब देख सकते हैं बहुत ही अच्छा हमारा आलू का कढ़ी बना हुआ है। आज मैं जिस तरीके से आलू का कढ़ी बनाना बता रही हूँ तो आप लोग अपने घर पे इस तरीके से एक बार जरूर बनाकर ट्राई करिएगा, क्योंकि यह खाने में काफी टेस्टी होता है और बनाने में काफी आसान होता है, बहुत ही जल्द बनकर तैयार हो जाता है। तो अब हम कढ़ी का जो है बाउल में सर्व कर देंगे। ऊपर से हम धनिया पत्ती से गार्निश कर देंगे। तो ये मेरा गर्मा गर्म जो है आलू का कढ़ी बनकर तैयार हो गया है। आप इसे चावल से खा सकते हैं, रोटी से खा सकते हैं, खाने में काफी टेस्टी लगता है। तो गर्मा गर्म आलू का कढ़ी हमारा बनकर तैयार है। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।